ये जिस क्षेत्र में थे उसमें ग्रामीणों का समर्थन था और पुलिस नहीं चाहती थी कि गिरफ्तारी में कोई आम नागरिक कैजुअल्टी हो, इसलिए पुलिस ने इंतजार किया कि जब वो निकले तो रास्ते में पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में किशन दा का नाम आता था, अरेस्टिंग का भी और एनकाउंटर का, क्या ये वही आता? उसके बारे में हम जानते नहीं। वो किशन जी है और ये किशन दा है, वो किशन जी तो मृत हो गए, मारे गए। We waited for the target to come out of his hideout and come on the road so that he could be intercepted without any collateral damage. How long was the operation going on? Was it short time, means 1-2? No, it was not short time. It was planned since months. The targets had been very clearly identified and communicated to all police formations, including CRPF. तो टारगेट नंबर 1 आइडेंटिफाइड था, वो हमने कर लिया। अब टारगेट नंबर 2 भी आइडेंटिफाइड है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। इसी बटालियन के 15 लोगों की हत्या तोपचाची में नवंबर 2001 में हुई थी। उस वक्त यहाँ दिवाली मेला चल रहा था और वो बड़ा अजीब सिचुएशन हो गया था कि एक तरफ दिवाली मेला चल रहा है, दूसरी तरफ इसी बटालियन के 15 घरों के दिए बुझ गए। तो लेकिन जो उस वक्त पुलिस नेतृत्व था उनका कहना था कि पुलिस के जॉब में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, हम लोग नॉर्मल रहें और नॉर्मल रह करके काम करते रहें। तो उसके बाद भी, ये 20 साल पहले की घटना है, 20 साल में पुलिस ने कई बार अपने ऊपर हम लोगों का प्रतिकार किया, आम जनता के ऊपर हुए हम लोगों का प्रतिकार किया और आज हम ये संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। हालांकि वो घटना भी इसमें अच्छी है, वो ऐसा लग सकता है या ऐसा दावा हो सकता है, ऐसा फिजिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ही इज मेंटली वेरी वेरी अलर्ट, ही इज मेंटली फार मोर अलर्ट देन ऑल ऑफ अस। एंड मेरी सलाह, मजाक में कह रहा हूँ, ये है कि आप निकट न जाएं क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे।